हेलो स्टूडेंट्स, सो गुडविल हम लोग पढ़ रहे थे आपके लास्ट क्लास में, और हमने गुडविल का सुपर प्रॉफिट मेथड हमने क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। और उसके कुछ क्वेश्चन भी हमने, एक दो क्वेश्चन देखे थे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए थे। आगे हम और क्वेश्चन को अपन आगे बढ़ते हैं और आपके कुछ क्वेश्चन आपके बुक से देखते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7th आपके बुक में क्या कहता है, देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 7th में, 7th नंबर दिया लिखा है, ए लिमिटेड इज टू बी ऑब्जर्व बाय द बी लिमिटेड एंड इन ऑर्डर टू डिसाइड अपॉन द परचेज कंसिडरेशन। बोल रहा है कि ए लिमिटेड का जो एमलगमेशन है वो बी लिमिटेड में हुआ है, ठीक है। दोनों जो कंपनियां है वो आपस में मिल रही है और परचेज कंसिडरेशन उसका आपको वैल्यूड करना है। इट इज नेसेसरी अमंग द अदर्स थिंग्स टू वैल्यूड द गुडविल अटैचिंग टू द बिजनेस ऑफ ए लिमिटेड द टू कंपनीज दैट बेसिस ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल शैल बी 3 years परचेस। ओके यार, 3 years परचेस ईयर दिया, तो पहले अपन क्या लिख लेते हैं, 3 years परचेस, यानी जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में जो परचेस ईयर दिया वो 3 साल दिया हुआ है, ये हम लोग को क्या हो गया, कंफर्म हो गया। अब क्वेश्चन में लिखा था ना, वो उसको खरीद रहा है, वो उसको बेच रहा है, वो सबसे मतलब नहीं है अपन को, हमको मतलब जो अपने को जो कंटेंट है उससे मतलब है, ठीक है। तो पहला बोलते हैं कि जो परचेस ईयर है वो कितना साल दिया है इसमें, 3 years परचेस ऑफ द एवरेज एनुअल सुपर प्रॉफिट। आपको एवरेज एनुअल सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे काम करना है, यानी सुपर प्रॉफिट मेथड से अपन को क्वेश्चन बनाना है। कौन से मेथड से बनाना है भाई, सुपर प्रॉफिट मेथड से हम लोग को क्वेश्चन बनाना है। ये भी हम लोग को क्या हो गया, क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, इसके बाद कहता है यार अपन लोगों को कि नेक्स्ट लिखा हुआ इसमें लिखा हुआ है आगे, द नेट प्रॉफिट बीइंग एवरेज ओवर 5 years एंड सब्जेक्ट टू वेट एवर एडजस्टमेंट यू एज द अकाउंटेंट मेकिंग द वैल्यूएशन कंसिडर नेसेसरी। आपको पिछले पाँच साल का प्रॉफिट का डिटेल दिया हुआ है। कहता था प्रॉफिट ऑफ ए लिमिटेड ऑफ लास्ट 5 years, पिछले 5 साल का प्रॉफिट है बिफोर चार्जिंग इनकम टैक्स, जिसमें इनकम टैक्स 55% घटाया नहीं गया है। आर एस फॉलो, ये तो इनकम आपको इनकम टैक्स से पहले का कुछ प्रॉफिट दिया हो जिसमें इनकम टैक्स अभी हमने घटाया नहीं है। चलो देखते हैं क्या क्या है। 2000 देखो प्रॉफिट दिया है, 2010 का प्रॉफिट हम लोगों को दिया हुआ अलग अलग साल का। पहले 2010 का प्रॉफिट हम लोगों को दिया 50,000 रुपये, हमको दिया 50,000 रुपये, ओके। उसके बाद 2011 का प्रॉफिट दिया 65,000 रुपये, 2011 का प्रॉफिट लिख लीजिए 65,000 रुपये। इसके बाद हम लोग को लिखा हुआ है 2011 के बाद दिया हुआ है, नेक्स्ट है 2012 का हो गया, 2012 का प्रॉफिट हमको 45,000 दिया है, 2012 का जो प्रॉफिट दिया है वो 45,000 रुपये दिया हुआ है। इसके बाद 2013 का 55,000 दिया हुआ है, और 2014 का जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो 75,000 रुपये दिया है। 2014 का प्रॉफिट अपन को दिया है 75,000 रुपये, ओके ठीक है सर, यहाँ तक हमको दिया है। कहता है द डायरेक्टर ऑफ ए लिमिटेड, बोल रहा है कि ए लिमिटेड में कुछ डायरेक्टर्स है और लिखा हुआ है साफ साफ, अ डायरेक्टर ऑफ ए लिमिटेड 3 in number विल बी अपॉइंटेड टू द डायरेक्टर्स ऑफ बी लिमिटेड। बोल रहा है ए लिमिटेड में डायरेक्टर्स जो है, जो बी लिमिटेड के डायरेक्टर्स है अपॉइंट हुए, ऑन एब्जॉर्व इट्स कंसिडर्ड दैट देयर सर्विसेज हैव बीन एंड विल बी इन द फ्यूचर वर्थ 5,000 ईच पर एनम। बोल रहा है कि उस कंपनी में डायरेक्टर्स थे, कितने डायरेक्टर्स थे इस कंपनी में, कुल मिला के डायरेक्टर्स थे, कुल मिला के 3 directors थे, 3 directors थे, ठीक है। कितने डायरेक्टर्स थे, 3 directors थे, ओके, कितने डायरेक्टर्स थे, 3 directors थे। और बोल रहा है कि हर एक डायरेक्टर को 5,000 पर एनम ईच सैलरी दिया जाता है, जो भी रेमोरेशन दिया जाता है, सैलरी दिया जाता है कितना, 5,000 पर एनम डायरेक्टर को सैलरी दिया जाता है। तो सैलरी क्या करना पड़ेगा, अगर प्रॉफिट में नहीं घटा है तो हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। आगे देखें, इसके बाद कहता है देयर हैज नेवर बीन मेड एनी चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ ए लिमिटेड ऑफ सब सर्विसेज, द एवरेज कैपिटल इन्वेस्टेड इन नेट टेंजिबल एसेट्स ओवर द पीरियड इज 1,80,000 एंड इट इज कंसिडर्ड दैट द नॉर्मल रिटर्न टू एक्सपेक्टेड फ्रॉम द टाइप ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ए लिमिटेड इज 10%। लिखा हुआ है कि जो नेट एसेट लगा है, नेट एसेट मीन्स एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड, जो एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड दिया है, बोल रहा है बिजनेस में कितना लगा है, 1,80,000 लगा है, और जो रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट का जो रेट है यार वो 10% दिया है, ठीक है भाई, 10% रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट का रेट जो दिया है वो 10% दिया है। आगे देखते हैं, इसके बाद कहता है कैलकुलेट द गुडविल ऑफ ए लिमिटेड बेस्ड ऑन अबव इन्फॉर्मेशन। ये सब इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको इस कंपनी का गुडविल क्या करना है, आप लोगों ने कैलकुलेट करना है, और कुछ इनकम टैक्स का रेट भी लिखा था, टैक्स रेट अपन को शायद 55% बोला था, ठीक है लगा देंगे। चलो बनाना चालू करें, तो सबसे पहला काम अपन को क्या करना है, देखो बिल्कुल सिंपल है, सुपर प्रॉफिट मेथड से बनाना है। सीधा क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 लिखेंगे, लिखेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, हम एक हेडिंग लिखेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लो सुपर प्रॉफिट मेथड। आप बोलोगे सर इसको वेटेड बनाना है कि सिंपल, कुछ ना बोले तो सिंपल बनाया करो, ठीक है। चलिए देखिए, तो अपन लिखेंगे फॉर्मूला, पहला लिखेंगे इफ सुपर प्रॉफिट, सॉरी गुडविल का फॉर्मूला लिखिए आप लोग पहले, तो
तो फॉर्मूला हो जाएगा स्टूडेंट गुडविल का, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर होता है। और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो चलो अब आपका काम क्या है, सबसे पहले देखना है कि आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दिया है कि नहीं दिया है, ये आपका देखने का काम है। ठीक है, चलो देखते हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दिया है, नहीं सर नहीं दिया है, तो निकाल ले पहले एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। ठीक है सर, निकाल लेते हैं। तो पहले अपन काम करते हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट के लिए। सो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल काम करेंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट के लिए, अपन लोग काम करेंगे। चलो देखते हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो पहला जैसे कि आपको सिखाया गया था प्रॉफिट, कितने साल का प्रॉफिट दिया, 5 साल का प्रॉफिट दिया, लिख लो 2010 2011 2012 13 और फंड में कितना है 14, कितना कितना प्रॉफिट दिया है, 50,000 दिया हुआ है, उसके बाद 65,000 दिया है, इसके बाद 45,000 दिया हुआ है, उसके बाद 55,000 दिया है और अंत में हम लोग को दिया 75,000 रुपये। ठीक है, ये प्रॉफिट दिया है। देखिए इसको एडजस्ट करना पड़ेगा अपन को। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे एडजस्ट, क्या सिखाया गया था, कोई भी एबनॉर्मल लॉस है तो ऐड कर दो, एबनॉर्मल इनकम है तो लेस कर दो, रेमरेशन है तो घटा दो, दुनियादारी सब बताए थे। ओके सर, सबसे पहले इसमें क्या लिखा है, टैक्स बोल रहा है 55%। तो पहले टैक्स नहीं घटाते, पहले खर्चे घटाते, बिजनेस में क्या पहले टैक्स दे देते हो, टैक्स सबसे अंत में घटाया जाता है, पहले आप लोगों ने घटाना है रेमरेशन। बोल रहा है ना तीन पार्टनर्स थे, सॉरी तीन डायरेक्टर्स थे, उनको क्या करना है, हम लोग को रेमुनरेशन क्या करना है, देना है, तो दे दे रेमुनरेशन। ओके, तो क्या इस क्वेश्चन में लिखा है कि ये रेमुनरेशन किस साल से रिलेटेड है, जब कुछ ना दे स्टूडेंट्स अपन क्या मानेंगे, ये हर साल से रिलेटेड है। ठीक है, देखिए तो माइनस करेंगे इसमें से रेमुनरेशन, तो आप लोग माइनस कर दीजिए रेमुनरेशन। ठीक है, इन तीन डायरेक्टर्स थे तो कितने 5,000 एक डायरेक्टर को मिलता है, तो तीन डायरेक्टर को कितना मिलता होगा 15,000, तो हर एक साल में 15,000 आप क्या कर दीजिए घटा दीजिए। चलिए घटा देते हैं अपन फटाफट से, तो घटा दीजिए कितना कितना आता देख लो, तुरंत जल्दी से देख लो कितना कितना आता है। ठीक है, चलिए घटाइएगा इसको फटाफट, तो इसमें आ जाएगा सबसे पहला 35,000 आ जाएगा पहला। ठीक, दूसरा अगर आप माइनस करते हैं तो कुछ 50,000 रुपये आ जाता है, तीसरा अगर आप माइनस करोगे तो कुछ आ जाएगा अपना 30,000 आ जाएगा, चौथा माइनस करके देख लो इसमें आ जाएगा 40,000 रुपये, एंड देन फाइनली पांचवा माइनस करेंगे अपन लोग तो आ जाएगा 60,000 रुपये। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें से अपन लेस करते हैं टैक्स, टैक्स कितना परसेंट बोलता है 55%। ठीक है, एट द रेट 55%, तो चलो 35,000 का 55% निकाल लो, जितना तुम्हारा एक्चुअल प्रॉफिट आया उसका 35,000 का 55% निकाल डालो, तो 35,000 का 55% निकालेंगे आप तो आ जाएगा 19,250। फिर आप 50,000 का 55% निकाल दो, ये आ जाएगा 25,000 रुपये। फिर आप 30,000 का 55% निकाल दो, ये आ जाएगा 16,500 रुपया। फिर आप 40,000 का 55% निकाल दीजिएगा, ये आ जाएगा 22,000 रुपये। और फिर अंत में 60,000 का 55% निकाल दो, ये आ जाएगा 33,000 रुपये। ठीक हो गया, चलो घटा दो इसको, सबको आपस में घटा देते हैं, देखो कितना आता है, 35,000 में से 19,250 को घटा दीजिए, पहला आ जाएगा 15,750। फिर उसी प्रकार 25,50 में 25,000 घटाओगे तो 25,000 ही आ जाएगा। यार पर गलत हो गया क्या, 50,000 का 55% अगर अपन निकालते हैं तो 27,500 आएगा भाई, सॉरी 27,500 आएगा, 27,500। ओके ठीक है, तो 27,500 50,000 में से 27,500 हम घटा देते हैं तो आएगा हमारा 22,500। ठीक है, ये आ जाएगा 22,500। उसके बाद 30,000 में से 16,500 घटा दीजिए आप लोग तो आ जाना है 13,500 रुपया, 13,500। फिर 40,000 में से आप माइनस कर दीजिए 55%, देन आपका आंसर आ जाएगा 18,000। एंड देन फिर 60,000 में से आप लोग 33,000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, आ जाएगा 27,000 रुपये। तो ये तुम्हारा एक्चुअल एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट आ गया। अब इसी का क्या निकाल लेते हैं अपन लोग, एवरेज निकाल लेते बच्चों। चलिए एवरेज निकाल लेते, देन योर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 15,750 प्लस 22,500 प्लस 13,500 प्लस 18,000 प्लस 27,500। ठीक है, इसको क्या कर देते हैं अपन लोग, डिवाइड कर देते कितने से, 5 से। चलिए 5 से डिवाइड करते हैं, कितना आ रहा है सबको जोड़ लीजिए, तो 15,750 प्लस 22,500 प्लस हम करेंगे 13,500 प्लस करेंगे 18,000 प्लस करेंगे 27,000 रुपया, डिवाइड कर दीजिए 5 से तो कितना आ जाएगा 19,350। ये आ जाना है हम लोगों का 19,000, कितना आ जाना 350। दिस इज योर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। ओके, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 19,000, अपने को दिया कितना 350, ये आ गया एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो देखो पहला आ गया एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 19,350, क्लियर हो गया। ओके सर, अब हमको चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। तो यार नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है,
सर नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, पूरा लिखेंगे, एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड इनटू रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100। तो बच्चों एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड कितना है, 1,80,000, पक्की बात है। और नॉर्मल प्रॉफिट का रेट कितना भैया, नॉर्मल प्रॉफिट का रेट यहाँ पे 10% दिया भैया, देख लो देखो कितना दिया है, 10% लगा दो 18,000, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गया, तो अपन लिख सकते हैं सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 19,350, नॉर्मल प्रॉफिट 18,000 रुपये, ठीक है। देखो कितना आता है, 1,350, ओके। यानी एक्सेस प्रॉफिट जो आता है 1,350 आता है, फॉर्मूले पुट कर दो तो सीधा निकाल दो गुडविल, देन योर गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। सो सुपर प्रॉफिट हमारा है 1,350 एंड परचेस ईयर 3 साल दिया था, देख लो स्टार्टिंग में, चलो मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ, हम लोग का आंसर आ जाएगा 4,050। देखो आपका आंसर आ गया होगा गुडविल का 4,050, दिस इज योर अमाउंट ऑफ गुडविल, सुपर प्रॉफिट। क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया, जल्दी से नोट करिए, फिर अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स अब आपके बुक का अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, सुपर प्रॉफिट का। देखिए हम इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 9 बताते, देखना इस बार बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन बता रहे, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9 में, पढ़ लेते पहले, साइड में अपन क्वेश्चन को लिखते चले जाते हैं। 9 नंबर में लिखता है, बैलेंस शीट ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज एज फॉलोज। आपको पार्टनरशिप फर्म का कुछ बैलेंस शीट दिया हुआ है, ठीक है, एक बैलेंस शीट दिया पार्टनरशिप फर्म का, खास बात यह कि इस बैलेंस शीट में डेट नहीं दिया है, ठीक है, ओके सर, ठीक है, देखते हैं। देखो बैलेंस शीट में क्या क्या दिया वो फटाफट लिख लेते हैं अपन लोग। इसमें बैलेंस शीट में दिया है स्टूडेंट, सबसे पहले कैपिटल दिया है बैलेंस शीट में ए और बी का, कितना कितना दिया है, 60,000 ए का कैपिटल दिया है और 60,000 बी का कैपिटल दिया है, इस प्रकार दोनों का कैपिटल 1,20,000 है, ओके। इसके बाद इन लोग का क्रेडिटर्स दिया हुआ है, क्रेडिटर्स दिया इनके इनके बैलेंस शीट में कुछ 60,000 के क्रेडिटर्स है, और बिल्स पेबल की अगर बात की जाए तो 20,000 के बिल्स पेबल है, ठीक है। और मैं एसेट्स तरफ अगर ध्यान दूँ, तो इस एसेट्स में गुडविल दिया है, सबसे पहला एसेट्स में देखेंगे गुडविल दिया है 34,000 रुपये का गुडविल दिया है एसेट साइड में, और बिल्डिंग दिया है अपन लोग को एसेट साइड में, बिल्डिंग कुछ दिया है इसमें 77,000 रुपये का बिल्डिंग दिया हुआ है, एंड देन फिर स्टॉक दिया हुआ है, स्टॉक है कुछ 45,000 रुपये का, और उसके बाद फिर डेटर्स दिए हुए हैं, डेटर्स दिया हुआ है हम लोग को कुछ 29,000, एंड देन फिर अपन को बैंक दिया हुआ है, बैंक बैलेंस दिया हुआ है, और इसका अमाउंट हमारे पास कुछ है 19,000 रुपये का, ठीक है। इस प्रकार अपन को कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। कहता है अ कंपनी इज टू बी फॉर्म टू टेक ओवर द फॉर्म, इस फॉर्म को कोई कंपनी खरीदना चाहती है, फॉर दिस परचेस एसेट्स आर रिवैल्यूड एज अंडर बिल्डिंग 64,000, नया वैल्यू दिया है, रिवैल्यूड दिया है, क्या दिया, रिवैल्यूड, जब वो खरीद रही थी तो रिवैल्यूड बोल रहे, कंपनी है इस फॉर्म को खरीदना चाहती है, अब रिवैल्यूड वैल्यू दिया है ना, रिवैल्यूड दिया है कुछ चीज़ों का, पहला बोल रहा बिल्डिंग का जो नया वैल्यू होगा, बिल्डिंग का जो रिवैल्यूड वैल्यू होगा बिल्डिंग का वो 64,000 होगा बोल रहा नया वाला, ठीक है। वैसे बिल्डिंग बैलेंस शीट में 73,000 है, बट नया अभी जो उन्होंने कैलकुलेट किया वो 63,000 होगा बोलता है, ओके 64,000 होगा बोलता है। इसके बाद कहता है डेटर्स, इस बिजनेस के जो डेटर्स होंगे वो नए वाले 20,000 होंगे, ठीक है भाई होने दो, और फिर उसके बाद कहता है जो स्टॉक होगा नया वाला उसका वैल्यू 47,000 होगा, ठीक है हमको इसमें कोई आपत्ति नहीं, होने दो। आगे देखें, कहता है द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर पास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 साल का आपको प्रॉफिट भी दिया हुआ है, आपके फर्म का पिछले 5 साल का प्रॉफिट भी दिया हुआ है, ठीक है, 5 साल का प्रॉफिट भी देख लेते हैं। तो 5 साल का प्रॉफिट क्या क्या दिया देख लेते हैं, देखिए 5 साल का प्रॉफिट हमको दिया है कितना कितना दिया देखें, पहला 20,000, फिर 30,000, यार इसको ऐसा लिख लेते हैं 20,000, दूसरा 30,000, उसके बाद फिर 36,000, देन फिर 32,000, इस प्रकार से दिया हुआ है, 4 साल हुआ, 5वां साल का 37,000, इस तरह से प्रॉफिट दिया है। कहता है इंक्लूडेड इन दिस प्रॉफिट वेयर नॉन रिकरिंग आइटम एवरेजिंग 1500, बोल रहा है कि इसमें नॉन रिकरिंग आइटम मतलब एबनॉर्मल इनकम ना, एबनॉर्मल इनकम 1500 इंक्लूडेड है इसमें, क्या बोल रहा है 1500 क्या है इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है, मतलब ऐसा इनकम इसमें इंक्लूडेड है जो बिजनेस में बार बार नहीं होगा, 1500 रुपये नॉन रिकरिंग इनकम है जो बार बार नहीं होगा जो शामिल है इसमें, तो ऐसा इनकम जो बार बार नहीं होगा और वो प्रॉफिट में ऐड है तो क्या कर दो उसको, हटा दो, ठीक है। आगे कहता है
बट फ्रॉम द नेचर ऑफ बिजनेस एक्चुअल कैजुअल नॉन रिकरिंग इनकम आइटम वेयर फाउंड टू बी अराइज एवरी ईयर द प्रोप्राइटर्स द प्रमोटर्स एग्रीड दैट 1200 पर ईयर शुड बी अलाउड एज प्रॉफिट फ्रॉम दिस सोर्स। बट बोल रहा है कि इसमें जो नॉर्मल इनकम है वो कितना है, 1200 रुपए क्या है इसमें नॉर्मल इनकम है बोलता है। ठीक है, ओके कहता है इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देख लो साफ साफ लिखा, पढ़ देते फिर से एक बार। कहता है कि इंक्लूडेड इन दिस प्रॉफिट वेयर नॉन रिकरिंग आइटम एवरेजिंग 1500 रुपीज। बोल रहा है कि इन प्रॉफिट्स में एक नॉन रिकरिंग आइटम मतलब इनकम मींस ऐसा इनकम जो बार बार नहीं होगा यानी एबनॉर्मल इनकम 1500 का शामिल है, हमने बोला ठीक है। आगे कहता है बट फ्रॉम द नेचर ऑफ द बिजनेस कैजुअल नॉन रिकरिंग आइटम्स वी आर फाउंड टू बी अराइज एवरी ईयर एंड द प्रमोटर्स एग्रीड दैट 1200 रुपीज पर शुड बी अलाउड एज प्रॉफिट फ्रॉम हिज दिस सोर्स। मतलब बोल रहा कि बाद में उनको रियलाइज हुआ, बाद में उन्होंने बोला ठीक है भाई नॉन रिकरिंग आइटम 1500 है, मतलब 1500 ऐसा इनकम है जो बार बार नहीं होगा बिजनेस में, बट उन्होंने बोला नहीं 1200 ऐसा इनकम है, उसी 1500 में से 1200 एक ऐसा इनकम है जो बार बार होगा। कैसे कंफ्यूज कर रहा, देखो बड़ा कंफ्यूज कर रहा ना, बोल रहा है कि 1500 एबनॉर्मल इनकम है और बाद में क्या बोल रहा, नहीं बाद में रियलाइज हुआ प्रमोटर्स को कि नहीं भाई उसमें से जो 1200 रुपए है वो एबनॉर्मल इनकम है, नॉर्मल इनकम है। ठीक है, तो अब आपके सामने ऑप्शन क्या है, 1500 को आप घटा दो, ऐसा इनकम है जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो घटा दो, और ये नॉर्मल इनकम जो बिजनेस से रिलेटेड है जोड़ा नहीं गया तो सीधा 1200 क्या कर दो, जोड़ दो, इसको घटा दो और इसको क्या कर। अब आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, 1500 बोल रहा है कि 1500 ऐसा भी इनकम है जो बार बार बिजनेस में नहीं होगा, अभी बोल रहा 1200 ऐसा उसी में से 1200 ऐसा इनकम है जो बार बार होगा, यार कुल मिला के कितना नहीं होगा 300, ये बोल सकते हैं 1500 ऐसा इनकम है जो नहीं होगा, और फिर बोल रहा है कि नहीं 1200 ऐसा इनकम है जो होगा, बाद में बोला नहीं नहीं भाई 1500 ऐसा इनकम है जो बार बार नहीं होगा, लेकिन फिर बाद में बोला नहीं भाई ठीक है 1200 ऐसा इनकम है जो होगा ही होगा, 1200 होगा, तो सचमुच कितना नहीं होगा 300। तो आपके सामने दो ऑप्शन है, या तो आप पहले इसको घटा लो और फिर इसको जोड़ दो, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है एकदम सीधा साधा सिंपल, या फिर सीधा 300 आप क्या कर दो घटा दो, आपके ऊपर है। चलो अपन वही काम करते हैं, बिल्कुल सिंपल तो सिंपल है, हम सीधा सीधा चलते हैं। इन्होंने क्या बोला 1500 ऐसा इनकम है जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ठीक है हम जोड़ दिए सॉरी घटा दिए, अभी बाद में बोला 1200 एक ऐसा इनकम है जो 1200 एक ऐसा इनकम है जो बार बार बिजनेस में क्या होगा ऐड होना चाहिए, तो फिर अपन क्या कर देंगे उसको जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए यहां तक नोट करिएगा। आगे क्या कहता है देखते हैं, आगे कहता है इसमें नेक्स्ट कहता है सिमिलर बिजनेस पेड डिविडेंड ऑफ 8% पर एनम, उसी प्रकार का सिमिलर बिजनेस अपने शेयर होल्डर को 8% डिविडेंड देता है, डिविडेंड मतलब रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट की बात कर रहा है, यानी यहाँ पे रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में, यहाँ पर जो रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट है स्टूडेंट्स वो कितना परसेंट है, 8% है। ठीक है, ये रेट दिया हुआ 8% नॉर्मल प्रॉफिट का रेट दिया है। आगे क्या कहता है देखते हैं, कहता है ऑन देयर इक्विटी शेयर्स वगैरह लिखा है, हु वुड द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी वेयर वर्थ रेमुनरेशन ऑफ M9000 एंड N6000 पर एनम। ओके, बोल रहा है इस बिजनेस में दो पार्टनर थे, पार्टनर एम एक दो बिजनेस में दो डायरेक्टर है M और N है, और उनका रेमुनरेशन कितना है, दोनों का अलग अलग रेमुनरेशन है, पहले वाले का जो रेमुनरेशन है वो 9000 है और दूसरे वाले का जो रेमुनरेशन वो कितना है 6000 है, दोनों का रेमुनरेशन जो है भाई वो अलग अलग दिया है। कैलकुलेट आपको बोलता है गुडविल कैलकुलेट करो, कैलकुलेट ऑन गुडविल 5 years परचेस, यानी गुडविल आपको कैलकुलेट करना है और जो आपका ईयर है वो कितना साल है, 5 साल का परचेस ईयर दिया हुआ है। ओके, आगे लिखता है परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट फॉर नॉर्मल प्रॉफिट ओनली कैपिटल एम्प्लॉयड शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। ओके, ठीक है, देखो इसे बोल रहा है कि आपको क्या करना है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड सॉरी आपको क्या करना है, गुडविल निकालना है। पहले मैं क्वेश्चन को पूरा पढ़ दे रहा हूँ, बड़ा हॉट पॉट टाइप का क्वेश्चन था ना, ये बड़ा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है, बैलेंस शीट दिया है, फर्म था ए और बी पार्टनर थे उसमें, 60,000 का कैपिटल था, क्रेडिटर थे, बिल्स पेबल था, एसेट्स वगैरह का वैल्यू आपको दिया हुआ है। ठीक है, बिल्डिंग का न्यू वैल्यू बोला, बाद में रियलाइज हुआ कि भाई बिल्डिंग का जो नया वैल्यू होगा वो 64,000, डेटर का वैल्यू 20,000 और स्टॉक का वैल्यू 47,000 होगा। ठीक है, ओके, आगे कहता है कि उनके 5 साल का प्रॉफिट हमको दिया हुआ है, हमने बोला वो भी ठीक है, वहां तक समझ में आ गया। फिर बोलता है कि इन प्रॉफिटों में एबनॉर्मल इनकम, कोई 1500 रुपए का ऐसा इनकम था जो बार बार नहीं होने का इनकम था, ऐसा इनकम था जो बार बार नहीं होगा उसमें शामिल है, तो क्या कर देना चाहिए, घटा देना चाहिए। ठीक है, घटा देंगे 1500। फिर बाद में बोला नहीं नहीं भाई उसमें से 1200 ऐसा इनकम है जो बार बार होगा, तो ठीक है भाई जोड़ देते हैं, जोड़ दो खत्म बात, ठीक वो हो गया, जोड़ देंगे हो जाएगा। ओके, इसके अलावा कहता है जो नॉर्मल प्रॉफिट रेट है वो 8% है,
एम और एन नाम के पार्टनर है या डायरेक्टर है उनको रेमुनरेशन दिया जाता साल का 9,000 और 6,000 दे देंगे हर, अब इसमें जो लिखा नहीं किस साल से रिलेटेड है तो फिर हर साल के प्रॉफिट में आप घटा देंगे। परचेस ईयर अपन को 5 साल दिया है। आप बोलोगे सर सब कुछ दिया है बट यहाँ पर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया है, तो बच्चों मैंने एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आपको निकालना सिखाया था तो यहाँ पे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले चलो अपन काम करते सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल बनाना है अपन लोग को। ठीक है, गुडविल निकालना है तो पहला आपका काम है क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 बना रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपका हेडिंग लिख लो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड और गुडविल का फॉर्मूला लिख लो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। और फिर दूसरा क्या होता है सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट लिख लो। ठीक है, ओके सर लिख लिया। चलिए अब अपन क्या करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन काम करेंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप निकालिएगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, चलिए निकालते हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। सो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमारा क्या होगा, देखें सेम वही काम करो जैसे हमेशा किया करते हो, प्रॉफिट लिख लो लगातार, 5 साल का प्रॉफिट दिया है तो 5 साल का प्रॉफिट आप क्या कर लीजिए यहाँ पे नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए क्या क्या प्रॉफिट दिया भाई। पहला 30,000 दिया, पहले साल का प्रॉफिट दिया 30,000, दूसरे साल का कितना दिया सॉरी 20 दिया पहले साल का, पहले साल का 20 दिया है, दूसरे साल का 30,000 दिया हुआ है हम लोगों को, तीसरे साल का 36,000 प्रॉफिट दिया हुआ है, चौथे साल का हम लोगों को 32,000 प्रॉफिट दिया है एंड देन पांचवें साल का हम लोगों को 37,000 प्रॉफिट दिया है। ठीक है, अब इसमें से अपन लेस करते हैं, अब इसमें से अपन क्या करते हैं लेस करते हैं एबनॉर्मल इनकम, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ आप समझ जाइएगा, एबनॉर्मल इनकम अपन लेस करते हैं। कितना एबनॉर्मल इनकम, 1500 लेस कर दो, 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 जब किसी पर्टिकुलर ईयर के बारे में ना दिया रहे तो हर एक ईयर में क्या करना है आपका काम है माइनस करना है, फटाफट कर लो। 20 में से 15 जाएगा 18.5 बचेगा, 30 में से 15 जाएगा 28.5 बचेगा, 36 में से 15 जाएगा तो 34,500 बचेगा। ठीक है, 35,000 34,500 बचेगा, इसमें से अगर चलेगा तो फिर कितना बचेगा 30,500 बचेगा और इसमें से घटा देंगे तो हम लोग को बचेगा 36,500 बचेगा, 36,500 क्यों 35,500 बच जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा आ गया प्रॉफिट। बाद में बोला नहीं यार 1200 जो है ऐसा इनकम है जो नॉर्मल इनकम है, नॉर्मल इनकम मतलब ऐसा इनकम जो बिजनेस से रिलेटेड है और जोड़ा नहीं गया है तो जोड़ दो। तो चलिए जोड़ दीजिए नॉर्मल इनकम, आप नॉर्मल इनकम को क्या कर दो जोड़ दो, तो कितना कितना नॉर्मल इनकम 1200 1200 1200 1200 और अंत में कितना 1200, फटाफट आप क्या कर दीजिए इसको जोड़ दीजिए। ठीक है, तो जैसे ही जोड़ देते चलो फटाफट जोड़ते हैं 18,500 प्लस अपन जोड़ देते 1200 कितना जाना है 19,700, फटाफट लिखते जाओ 19,700। ठीक है, पहला आ जाएगा कितना 19,700, उसके बाद आ जाएगा 29,700, ये आ जाएगा 29,700, इसके बाद इसका निकालेंगे तो इसमें आ जाएगा 35,700, इसका आ जाएगा हमारा 31,700, जबकि इसका आ जाएगा 36,700, ये आ जाएगा 36,000 कितना आ जाएगा 700 क्या हो जाएगा निकल आएगा, तो ये आ गया 36,000 कितना 700। ठीक है, अब आप डायरेक्ट क्या कर दीजिए इसका एवरेज निकाल दीजिए, तो अब मैं डायरेक्ट निकाल दूं एक्चुअल एवरेज, अब आप लोग निकालते रहिएगा मैं डायरेक्ट फटाक से आंसर निकालूंगा भैया। अरे सॉरी एक चीज तो हम लोग हटाना ही भूल गए, इसके अलावा इसमें और भी तो था, पार्टनर लोग तो थे यहाँ पर, कौन थे पार्टनर्स थे उनका रेमुनरेशन तो हम लोग घटाना ही भूल गए, चलो घटाते हैं तो माइनस करेंगे रेमुनरेशन, ये तो घटाना ही भूल गए थे ना रेमुनरेशन, तो रेमुनरेशन कितना घटाना है सब में, कितना कितना रेमुनरेशन दिया है सबसे पहला 9,000 प्लस कितना 6,000 दोनों को मिलाकर कितना है 15,000, तो हर एक प्रॉफिट में 15,000 हम लोग को क्या करना है डिडक्ट करना है, तो हर एक प्रॉफिट से अपन 15,000 क्या कर देंगे डिडक्ट कर देंगे। चलिए डिडक्ट कर देते हैं अपन फटाफट से कितना आ जाता देखते हैं, सबसे पहला 19,700 में से अगर आप लोग 15,000 घटाते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 4700, फर्स्ट आंसर आएगा 4700 रुपीज़। दूसरा घटा देते जल्दी से अपन लोग, नेक्स्ट 29,700 में से आप 15,000 डिडक्ट कर दीजिए, ये आ जाएगा 14,700, नेक्स्ट आ जाएगा 14,700, देन फिर हम लोग घटाएंगे इसमें से 35,700 में से हम डिडक्ट करेंगे 15,000 तो इसका आंसर आ जाएगा 20,700, फिर इसको डिडक्ट कर देते हैं 31,700 में से आप डिडक्ट कर दीजिए 15,000 डिडक्ट कर दीजिए कितना आ जाएगा 16,700 और 36,700 में से 36,700 में से आप माइनस कर दीजिएगा 15,000 रुपये,
तो आ जाएगा 21,700। चलो ठीक है, अब आपका काम है इसका एवरेज निकाल लेना। तो जब इसका एवरेज निकालोगे, 5 से डिवाइड कर दोगे इन सबको जोड़कर, तो हमारा जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आएगा वो आ जाएगा 15,700। कितना आ जाएगा? 15,700 करके देख लेना, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब अपन को क्या निकालना है? हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तो निकाला है, अब हमको क्या चाहिए? नॉर्मल प्रॉफिट। तो चलो नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड होता है, एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड इनटू रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100। यही तो होता है, लेकिन यहाँ पे एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि देखो, जब क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया रहा है तो आप लोग बैलेंस शीट का डेट देखा करो। तो देखो, यहाँ बैलेंस शीट के साथ डेट दिया है क्या? नहीं सर, नहीं दिया है। अच्छा, दूसरा काम क्या है कि जो प्रॉफिट दिए उनके साथ आपको डेट देखना है। क्या प्रॉफिट के साथ आपको डेट दिया है? क्या ईयर दिया है क्या आपको? नहीं सर, नहीं दिया है। तो जब कभी भी ईयर ना दे, तब आप लोग एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड मत निकालना, तब आप क्या करना? सिर्फ कैपिटल इंप्लॉयड पे आंसर निकालना। तब हमको किस पे निकालना है? कैपिटल इंप्लॉयड पे। क्योंकि यार एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड कैसे निकालता था, मैंने सिखाया था आपको। टोटल इंटरनल एसेट ले लो, उसमें से आउटसाइडर लायबिलिटी को घटा दो, क्या निकलेगा? कैपिटल इंप्लॉयड निकलेगा। और फिर उसमें से आप घटाइएगा हाफ ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर, यही सिखाया था। तो यार यहाँ पे करंट ईयर का प्रॉफिट कुछ क्लियर है? यार यहाँ तो करंट ईयर ही क्लियर नहीं, क्योंकि बैलेंस शीट में जब डेटा ही नहीं दिया है, ईयर ही नहीं दिया, तो कैसे पहचानोगे आप करंट ईयर क्या है? तो करंट ईयर नहीं दिया है, इस वजह से अपन क्या करेंगे, एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड पे ला निकाल कर हम सीधा किस पे निकालेंगे? कैपिटल इंप्लॉयड पे निकालेंगे, क्योंकि हमको करंट ईयर का पता नहीं है। तो फिर किसका हाफ निकालेंगे? क्योंकि कैपिटल इंप्लॉयड में अपन क्या घटाते थे? हाफ ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर, बट करंट ईयर नहीं है, तो फिर कैपिटल इंप्लॉयड ही तुम्हारा एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड कहलाएगा। ओके, तो जब भी क्वेश्चन बनाओगे तो आपका काम है बैलेंस शीट को देखना, और बैलेंस शीट में डेट दिया है कि नहीं दिया है, ईयर दिया है कि नहीं दिया वो देख लो, उसको देखो, प्लस आपके साथ जो प्रॉफिट दिया उसके साथ ईयर दिया है कि नहीं दिया उसको देख लो, उसके अकॉर्डिंग बनाओ। हालांकि टेंशन मतलब ऐसा कुछ पाला तो आपके साथ पढ़ने वाला है नहीं, मैंने तो सिर्फ आपको नॉलेज दे दिया है, ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं आएगा आपके साथ। ठीक है, ओके, चलो अब काम करते हैं। तो कैपिटल इंप्लॉयड निकाले क्या होता फॉर्मूला? टोटल इंटरनल एसेट्स। ठीक है, तो टोटल इंटरनल एसेट जो जो एसेट्स है उसको अपन जोड़ते जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या क्या इंटरनल एसेट्स होगा। देखो एसेट में क्या दिया, पहला गुडविल। देखो यार, जब कभी भी अपन बिजनेस का गुडविल कैलकुलेट करते हैं तो बैलेंस शीट में अगर गुडविल दिया होता है तो कभी भी आप बैलेंस शीट के गुडविल को मत निकालना, उसको मत लेना। समझ में आया? उसको नहीं लिया जाता, रूल है। कुछ राइटर्स लेते हैं बट कुछ राइटर्स नहीं लेते हैं। कारण उसका ये है कि वो गुडविल, जो गुडविल है वो खरीदा हुआ गुडविल, आपने किसी और का गुडविल खरीदा हुआ है, वो आपके बिजनेस का गुडविल नहीं, वो किसी और का गुडविल आपने क्या कर रखा है, खरीदा हुआ है। इस वजह से उसको क्या कर देते, छोड़ देते। जो आपके खुद के बिजनेस का उसको ले लो आप। तो बिजनेस का खुद का क्या है? बिल्डिंग है जैसे, तो लिख लो बिल्डिंग। तो एक बात चेक करना, बिल्डिंग अपन को वैसे 73,000 दिया है, बट अपन को नया वैल्यू कितना दिया अलग से एडजस्टमेंट में? 64,000। तो आप पुराना वैल्यू नहीं लेंगे, आप नया वैल्यू लेंगे, 64,000 लेंगे। जो नया वाला वैल्यू है ना उसको लेना, पुराना वाले को भूल जाना, 64,000 नया वाली वैल्यू को ले लेगा। ठीक है, उसके बाद देखो क्या लिखा, स्टॉक। तो स्टॉक में भी स्टॉक तो लिख लोगे, बट क्या वो नया वैल्यू दिया है क्या, चेक कर लो पहले। हाँ सर, दिया है स्टॉक का नया वैल्यू। तो फिर नया वाला लिखना, पुराने वाले को कभी भी मत लिखना, नए वाले को लिखते अगर नया देता है तो। उसके बाद फिर क्या लिखा, देखो डेटर्स दिया, अगला क्या दिया है, डेटर्स। तो डेटर्स दिया है तो डेटर्स लिख लो। तो डेटर्स की बात कर लेते हैं, डेटर्स देखो नया दिया है क्या? हाँ सर, ये भी नया दिया, तो नया लिख लो। इसके बाद फिर क्या दिया, देखो बैंक दिया है, फिर क्या लिखा है, बैंक। तो बैंक दिया तो बैंक लिख लो। बैंक के बारे में कोई नया वैल्यू दिया था क्या? नहीं दिया था, छोड़ दो बैंक को। तो बैंक कितना दिया अपन को, 19,000। तो 19,000 क्या कर लो, लिख लो। ठीक है, तो आ जाएगा अपना टोटल इंटरनल एसेट्स। सो टोटल इंटरनल एसेट्स हमारा निकल आया। ठीक है, चलो जोड़ लो इसको फटाफट। तो कितना कितना आ जाएगा, 64,000 प्लस ऐड कर लो 47,000 प्लस उसमें ऐड कर लो 20,000 प्लस ऐड करिए 19,000 रुपये। ठीक है, तो इस प्रकार 1.5 लाख रुपए आ जाएगा टोटल इंटरनल एसेट्स, कितना आ जाएगा 1.5 लाख। ठीक है, अब इसमें से लेस करते हैं आउटसाइडर लाइबिलिटीज। ठीक, सो स्टूडेंट्स आउटसाइडर लाइबिलिटीज क्या होगा वो सोचो आप लोग। यार आउटसाइडर लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी जो हमारे बिजनेस के बाहर खूंटा डाल के बैठे उनको देना ही पड़ेगा। तो लाइबिलिटी साइड में देखो, कैपिटल तो आउटसाइडर नहीं होता, इंटरनल होता है, मैंने फर्स्ट क्लास में आप लोग को एक्सप्लेन किया था। क्रेडिटर्स आएगा, पहला क्या आएगा, क्रेडिटर्स। तो लिखो क्रेडिटर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखो क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितना, 60,000 घटा लेना, और अंत में बिल्स पेबल कितना दिया भाई, 20,000, इसको भी घटा लेना। इस प्रकार आप 80,000 घटा लीजिए तो तुम्हारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगा। क्या निकल आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। सो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगा, देखें कितना आ जाता है, 1.5 लाख में से आप लोग 80,000 को घटा दीजिए, ये कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा 70,000 रुपये। कितना आ जाएगा है, 70,000 रुपये आ जाना है। आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड 70।
अब कैपिटल एम्प्लॉयड के हेल्प से अपन लोग नेट प्रॉफिट तो निकाल सकते हैं ना, नॉर्मल प्रॉफिट तो निकाल सकते हैं ना। सो नॉर्मल प्रॉफिट आप क्या कर लीजिए, निकाल लीजिए। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे, 70,000 का रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट कितना दिया, 8% निकालो कितना आ जाएगा, 5600 आ गया। तो देखो यार, तुम्हारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट भी आ गया और दूसरा तुम्हारा नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गया, पुट कर दो। देन योर सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, सर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट फॉर्मूला होता है ना, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना भैया, 15,700। तो 15,700 जबकि नॉर्मल प्रॉफिट कितना दिया, 5600। चलो फटाफट निकालो सुपर प्रॉफिट कितना होता है, 15,700 में से आप डिडक्ट कर दीजिए 5600 को, कितना आ जाएगा, 10,100। ये आ गया 10,100, ये सुपर प्रॉफिट आया। अब गुडविल निकाल लो, तो सुपर प्रॉफिट जितना आया है उस पर परचेस ईयर का मल्टीप्लाई कर दो, कितना है परचेस ईयर, 5 है, गुणा करोगे 50,500, देखो आंसर आ गया होगा। तो इस प्रकार से थोड़ा क्वेश्चन बड़ा था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट तो मैं नहीं कहूँगा इस क्वेश्चन को, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं बट अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट मैंने कल मैं आपको बताया था, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको कल एक्सप्लेन कर दिया था अच्छे से, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, ओके। कोई डाउट हो तो हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको नोट करिए, आज के लिए इतना काफ़ी है। कल हम लोग न्यू चैप्टर न्यू टॉपिक पढ़ेंगे इसमें, कैपिटलाइजेशन मेथड, गुडविल का कैपिटलाइजेशन मेथड पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी स्टूडेंट्स, कल मिलते हैं अपन, थैंक यू।